नुसरत भरूचा अपनी अपकमिंग फिल्म जनहित में जारी को लेकर लाइमलाइट में है। ये फिल्म प्रमोट करना एक्ट्रेस को भारी पड़ रहा है। हाल ही में नुसरत ने फिल्म के दो पोस्टर शेयर किए हैं, जिसके बाद उनके सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के भद्दे कमेंट्स की लाइन लगा दी गई और एक्ट्रेस की नाक में दम कर दिया गया। लेकिन नुसरत भी कहां चुप रहने वालों में से है। एक्ट्रेस ने भी ट्रोलर्स को ऐसा जवाब दिया है, जिसके बाद वो सिर्फ नुसरत को ही नहीं बल्कि किसी को भी गंदगी भरे कमेंट्स करने से पहले ये वीडियो याद कर लेंगे। दरअसल एक्ट्रेस इस फिल्म में कॉन्डम बेचती नजर आ रही है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉन्डम बेचने से उनके परिवार वाले और समाज के बाकी लोग उनका विरोध करते हैं, लेकिन नुसरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समाज को जागरूक करने के लिए कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट करती है। ऐसा कुछ एक्ट्रेस को अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में नुसरत कहती है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्टर डाले जिसमें मैं वुमनिया कॉन्डम इस्तेमाल करने का खुलेआम प्रचार करती हूँ, लेकिन लोगों ने अलग ही मायने बना लिए। वैसे हम आमतौर पर बेस्ट कमेंट शेयर करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे वर्स्ट कमेंट्स ही जनहित में जारी कर दूं। इसके बाद वो तमाम घटिया कमेंट्स देखने को मिले जो एक्ट्रेस के लिए किए जा रहे थे। ये बेहद ही शर्मनाक है। वहीं वीडियो के आखिर में एक्ट्रेस ने कहा, बस यही सोच तो बदलनी है, यही तो मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप उंगली उठाओ, मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। अब लगता है एक्ट्रेस के इस कदम के बाद ट्रोलर्स को सबक जरूर मिल गया होगा। वेल, हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इशिका जैन, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।